टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुम्बरा शिमला पार्क तालाब से आज ठाणे जिला अधिकारी कार्यालय तक MIM के स्टूडेंट विंग्स के 5 सदस्यों ने मुम्बरा में प्लेग्राउंड की मांग करते हुए पैदल मार्च निकाला है। MIM स्टूडेंट विंग के मुम्बरा कौसा के अध्यक्ष अब्दुल राशिद कादरी, रुखसार खान, जाफर शेख, मुशीर शेख, मुस्तफ़ा मेमन, पैदल मार्च में ये 5 लोग शामिल हैं। दरअसल मुम्बरा में बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, जिसकी वजह से क्रिकेट मैच, फुटबॉल, अन्य प्रकार के खेल बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं। मुम्बरा जैसे शहर में प्लेग्राउंड नहीं है, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी आज प्लेग्राउंड की मांग को लेकर MIM के ये 5 सदस्य मुम्बरा से पैदल मार्च ठाणे जिला अधिकारी कार्यालय तक पहुंचकर मेमोरेंडम देंगे। इस पैदल मार्च के दौरान क्या कुछ जानकारी दी है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आज 11 बजे का पैदल मार्च का टाइम दिया गया था मुम्बरा के यूथ के लिए प्लेग्राउंड के रिक्वायरमेंट के लिए। हमने पैदल मार्च यहाँ से हम अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तलाव से, मुम्बरा कौसा तलाव से कलेक्टर ऑफिस, यहाँ से हम पैदल जाएंगे कलेक्टर ऑफिस और वहाँ जाकर हम कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम देंगे ग्राउंड के रिलेटेड, जो कि यहाँ के यूथ बच्चे जो है वो ग्राउंड के लिए फुटबॉलर, क्रिकेटर, हर किस्म की चीज़ के लिए जो है वो परेशान है बच्चे, तो उसके लिए हम वहाँ पर जाके हमारी मांग रखना चाहते हैं तमाम मुम्बरा के यूथ की तरफ से। पिछले 6 से 8 महीने से हम वो कोशिश कर रहे थे, हमने RTI भी डाला, बहुत सारे पेपर्स हमने वहाँ से गवर्नमेंट से निकाले, उसके बाद हमें वहाँ पर पता चला कि उस यहाँ पर हमें गवर्नमेंट की तरफ से 2 रिजर्व ग्राउंड जो है रिक्रिएशन रिजर्व ग्राउंड वहाँ पर दिखा रहा है हमको ऑन पेपर, और 3 से 4 अलग ग्राउंड्स, प्ले ग्राउंड्स दिखा रहे हैं ऑन पेपर। तो ये सब ग्राउंड अभी तक अलॉट क्यों नहीं किए गए बच्चों को? कहाँ कहाँ पर है ये ज़मीन आपको जो है हम पूरे ऑन पेपर आपको दे देंगे, आपके पास पेपर उसके ऊपर टोटल डिटेल है विथ RTI। और मीडिया से गुजारिश है कि जो पेपर दिए जाएंगे उसको ज़रूर दिखाएं, और ये जो पैदल मार्च रखा गया है MIM स्टूडेंट विंग की तरफ से रखा गया है, और कैसा है कि आप जानती हो शहर में प्लेग्राउंड ही नहीं, शौचालय की भी हालत ख़राब है। आप प्लेग्राउंड तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इंशाल्लाह ये मांग ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ से पैदल मार्च गए, मेमोरेंडम दिए, हो गया। इसके लिए राशिद भाई और उनकी टीम ने, MIM स्टूडेंट विंग की टीम ने बहुत मेहनत की है, सब जगह हो गया, CMO हो गया, मिनिस्टर्स हो गए, सब जगह ये पेपर पहले भी जा चुके हैं और अभी मेमोरेंडम जा रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी इसका फॉलोअप जारी रहेगा, इसको यहीं पर नहीं छोड़ दिया जाएगा। मेरी मीडिया से गुजारिश है कि यूथ को आप जब आप निकलते हैं तो यूथ से आप इंटरव्यू लीजिए और पूछिए उनको कि आपको प्लेग्राउंड की ज़रूरत है। आप ये बताइए टर्फ का आज 800 रुपया 1000 रुपया टर्फ में देते हैं, क्या एक जो आम आदमी है, आम लड़का है, जो जॉब पे नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो क्या टर्फ पे जाके खेल सकता है? और ये जो पॉलिटिकल स्टंट, जो सियासी टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाते हैं इलेक्शन से पहले, और वो भी आजकल प्लेग्राउंड में नहीं टर्फ पर हो रहे, इनके पास प्लेग्राउंड ही नहीं है उनके खुद के टूर्नामेंट कराने के लिए, तो आप ज़रूरत कैसी है कि हर चीज़ की ज़रूरत है, तो प्लेग्राउंड एक है, तो इंशाल्लाह इसमें हम निकले, मीडिया भी साथ दे और आवाम से जो यूथ है उनसे पूछें कि प्लेग्राउंड के बारे में आपकी क्या राय है। इसके बाद आप थोड़ा सा अवेयरनेस, एक कहीं भी आप बाइट लेंगे तो ज़्यादा इसको अल्हम्दुलिल्लाह बल मिलेगा।